टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच ईडन गार्डन में मुकाबला खेला जाएगा। भारत के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है क्योंकि भारत अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों 47 रनों से शिकस्त खा चुका है, लिहाजा टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए भारत को एक बड़ी जीत की दरकार है। वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हरा दिया। वैसे वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 100% रहा है, चाहे 50 ओवर का मुकाबला हो या फिर टी20 मुकाबला, सभी 10 मैचों में भारत को ही अब तक जीत मिली है। ये मैच इसलिए भी खास है कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाक कभी भी टीम इंडिया से पार नहीं पा सका है, जबकि भारतीय टीम को पाक के खिलाफ ईडन गार्डन में कभी जीत नसीब नहीं हुई है। ईडन गार्डन में भारत पाकिस्तान का मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है और इस रोमांच में अपनी धड़कनें तेज करने के लिए तैयार हैं पटना के भी क्रिकेट प्रेमी। इस तरह भारत का बैटिंग लाइनअप है, एक बार फ्लॉप किया बार बार नहीं हो सकता है और पाकिस्तान के साथ इंडिया हमेशा अच्छा खेला है। पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी अफरीदी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, वो थोड़े से भारत को झटके दे सकते हैं। और जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की उम्मीद की। नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि झारखंड का लाल आन शान देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टी20 में भारत विजयी होके आएंगे। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी का दावा है कि राज्य की रावत सरकार अल्पमत में चल रही है। कल देर रात बीजेपी के 26 विधायकों ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और उनके सामने कुल 35 विधायकों ने परेड भी किया। राज्यपाल से मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के 35 विधायक सीधे दिल्ली पहुंच गए। आज ये लोग बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के दावों को नकार दिया है और बहुमत साबित करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। पीडीपी सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि पीडीपी की शर्तों पर सरकार नहीं बनाई जा सकती। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद जेएनयू छात्र उमर खालिद ने कहा कि उन्हें जेल जाने का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उन्हें गर्व है कि राजद्रोह के मामले में उन्हें जेल हुई थी। उमर खालिद ने कहा कि सरकार दमन करके हमारे आंदोलन को नहीं तोड़ सकती। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को जमानत दी थी। अदालत ने दोनों को 25,000 के मुचलके पर 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही दोनों को बिना इजाजत दिल्ली से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया के अंतरिम जमानत खारिज करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। याचिका में सेना पर की गई टिप्पणी का भी जिक्र है। ईडी ने विजय माल्या को 2 अप्रैल तक पेश होने को कहा है। वहीं माल्या ने ईडी को मेल भेजकर अप्रैल के अंत में हाजिर होने के लिए मोहलत मांगी है। ईडी ने आईडीबीआई के 900 करोड़ के डिफॉल्ट केस में उन्हें समन भेजा है। छोटी बचत करने वालों को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार ने पीपीएफ समेत कई योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती की है। पीपीएफ पर ब्याज दर 8.7% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। वहीं 100 महीने की जगह अब 110 महीनों में किसान विकास पत्र डबल होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में भी ब्याज दरें घटा दी गई हैं। उत्तराखंड पुलिस के घोड़े शक्तिमान को घायल करने के मामले में बीजेपी विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक पर घोड़े पर लाठी से हमला करने और कथित तौर पर टांग तोड़ने का आरोप है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आयरन फिस्ट 2016 के नाम से आयोजित इस युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे।
आयरन फीस्ट में वायुसेना के 170 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल लॉन्चर को प्रदर्शित किया गया। विमानों की गर्जना के बीच बम के धमाकों से उठते गुबार और चिंगारियों को देख वहां मौजूद लोग भी गर्व से भर उठे। पेरिस हमले का मुख्य संदिग्ध सलाह अब्दुल समाम को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने उसकी 4 महीने से तलाश कर रही थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में रेड के दौरान फायरिंग भी हुई जिसमें सलाह जख्मी हो गया। इस गिरफ्तारी के 2 घंटे के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। नाबालिग से रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की आज बिहार शरीफ कोर्ट में पेशी होगी। इसके साथ ही इस मामले में सुलेखा देवी सहित अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने पूछताछ के लिए राजवल्लभ को रिमांड पर लिया था। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश को बिहार में भी लॉन्च कर दिया। सियासी तौर पर भी ये लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो काफी दिलचस्प रही। शॉटगन ने कहा कि किताब लिखने की वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन एनीथिंग बट खामोश के सूत्रधार जो अगर कोई हैं तो हमारे मित्र और बिहार के मुखिया, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार हैं। एनीथिंग बट खामोश, अगर नहीं चुप नहीं रहने का, सच्चाई के साथ बढ़ो आगे, बोलो आगे, सिद्धांत से समझौता मत करो, आत्मसम्मान से समझौता मत करो। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। उन्होंने शत्रुघ्न के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। खामोश खामोश रहो रे भाई, कब तक खामोश रहो? तो मेरा तो इसमें अमेंडमेंट है, इस बायोग्राफी में हमारा संशोधन है कि खाना खामोश तोड़ो और असली रूप में आओ और देश को नया दिशा दो, मुखधारा में सबको आना चाहिए, इन चीजों को बताना। बिहार में वित्तीय वर्ष 2014-15 की सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम दिन 22,740 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए। इसके साथ ही 31,510 करोड़ रुपए के इस्तेमाल को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हमने लिखा है कि 2014-15 के दौरान 1,40,022 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध बृहत बचत 43,925 करोड़ रुपया जो है वो सेविंग हो गया, और इस सेविंग में से 27,334 करोड़ रुपये जो है वो सरेंडर किए गए, और उस 27,000 में से 22,740 करोड़ 31 मार्च 2015 को सरेंडर किए गए। तो अंतिम दिन जो बजट का होता है उस दिन इतनी बड़ी राशि सरेंडर की जा रही है, तो बजट बनाने में गलती नहीं है, बजट तो उन्होंने बना लिया, बजट को मॉनिटर करने में गलती है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सरकार बजट का एस्टीमेट भी सही तरीके से नहीं बना पा रही है। बजट का आकार कुछ और होना चाहिए, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से एस्टीमेट बढ़ा चढ़ाकर बनाया जा रहा है और इसीलिए हर साल करोड़ों रुपए सरेंडर हो रहे हैं। विभाग में एक इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, खास करके जब वित्तीय वर्ष का अंत आता है तो वो रिव्यू करें अपने पोजीशन को, उनके क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एस्टिमेटेड खर्चा अब तक कितना हुआ और कितना लगेगा, कितना फंड उपलब्ध है वो मांगें, या यदि लगता है कि हम खर्च नहीं कर पाए तो सरेंडर करें। ये एक नॉर्मल बजटरी कंट्रोल प्रोसेस है, इसके सही रूप से यदि ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो होता है। दूसरा, जो बजट बनाने के वक्त आपने एस्टिमेट से ज़्यादा का प्रोविजन कर दिया है तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। दो कारण होते हैं, एक बजट बनाने में रियलिस्टिक फिगर्स नहीं ली जाती है, दूसरा जो प्रॉपर मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसके चलते इस तरह की स्थिति है। बिहार में इन दिनों माननीयों पर तोहफों की बारिश की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को होली में वेतन भी मुहैया नहीं कराने वाले, शिक्षा विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। शिक्षा विभाग ने करीब 30 लाख रुपए के माइक्रोवेव ओवन दोनों सदनों के विधायकों और पार्षदों को गिफ्ट किया। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से 35 लाख रुपए के ट्रॉली बैग दिए गए। वहीं एक और विभाग की तरफ से सदन के दोनों सदस्यों को स्मार्टफोन दिए गए। नगर विकास विभाग की तरफ से घड़ी गिफ्ट किए गए। सदन में बड़ी बड़ी गाड़ियों में गिफ्ट भरकर लाए गए थे। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को गिफ्ट देने को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस मामले पर सरकार को खरी खरी सुनाई। इसको उचित नहीं समझते हैं,
और हमको याद है, पता नहीं कैसे नीतीश कुमार जी भूल गए, इसके पहले जब कुछ दिया जाता था तो बड़ा आपत्ति उनकी होती थी, ये सब क्या कर रहे हैं। आवाज़ इतना सामान लोगों को दिया जा रहा है, इस पर ज़रूर उनका ध्यान जाना चाहिए था, और नहीं जाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और विधायकों को एकाध कोई गिफ्ट कोई बात हो जाती है अलग बात है, लेकिन डेली कुछ ना कुछ कर कर के वो बजट को तो खर्चीला ही बनाया जा रहा है, उचित नहीं है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे ने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं है और माननीयों को महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये सरकार को निश्चित रूप से उस विभाग को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था कि जहां शिक्षकों के वेतन बकाए हैं, पैसे के अभाव में वेतन नहीं जा रहे हैं, तो माननीय सदस्यों को उपहार देने के बदला यदि उस राशि का उपयोग शिक्षकों के वेतन मान में किया जाता तो वो बेहतर होता। वहीं माननीय को गिफ्ट को लेकर विवाद पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी। गिफ्ट कोई भी आता है वो सरकार से नहीं आता है, जो हमारे उपक्रम है वो देते हैं, क्योंकि उपक्रम प्रॉफिट में रहता है। और इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि हर समय हर साल शिक्षा विभाग कुछ न कुछ देता रहा है तो इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा यूजफुल सामान होना चाहिए, क्योंकि बैग और घड़ी तो हर बार दिया जाता है कि कम से कम जो हमारा मध्यान्ह भोजन है उसका अगर हमारे माननीय विधायक क्षेत्र में जाएंगे, मध्यान्ह भोजन देखेंगे, उसको लेकर के आएंगे तो गर्म करके खा सकें, इसलिए हम लोगों ने माइक्रोवेव दिया। ये 30 लाख 32 लाख रुपए का सवाल है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए इतना हाई तोबा मचाने की जरूरत है। शिक्षा विभाग के गिफ्ट को प्रदेश के उद्योग मंत्री ने परंपरा बताया। हालांकि महंगे गिफ्ट को लेकर उन्होंने भी सवाल जरूर उठाए। इस तोहफे के लिए कोई विधायक आतुर नहीं है, उसी के लेकर के बहुत विधायक ये नहीं है कि मिलेगा तभी हम विधानसभा अटेंड करेंगे। नहीं, हम तो उसको किस वे में आप लोग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी महंगा आज की आधुनिकता में बिहार में जो चीजें आप सोच रहे बहुत महंगा है, वो दिल्ली में इससे बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं और विभाग में सालों भर नहीं मिलते हैं, ये किसी बजटीय सत्र में मिलते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई अननेसेसरली नहीं खर्च करना चाहिए, हम लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। गुरुवार को राजधानी में हुए एक ठेकेदार की हत्या को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटना के फ्रेजर रोड के तौफिल रेजेंसी अपार्टमेंट में ठेकेदार मोती सिंह की हत्या ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने घटना को लेकर सरकार पर वार किया। राजधानी के अंदर जिस प्रकार से अपराधी अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, यह लगातार हम लोग सरकार को इसकी चिंता जता रहे हैं कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण समर्थन है तभी अपराधी इतने बढ़े हुए मन के साथ अपराध को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोप को खारिज कर दिया। स्वच्छ छवि के लोग नहीं थे वो, आपस में जो भी लोग थे सब लोगों पर उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। अब सरकार जांच कर रही है कि कैसे उस पर हम नकेल कर सके, ये तो गैंग वॉर का पार्ट है। लोगों ने किसी तरह से किसी को बुलाया एक ऑर्गेनाइज तरीके से और उन्होंने ये बात कही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने सरकार से शिक्षकों के लिए वेतन की मांग की है। उन्होंने कहा कि होली से पहले सरकार को सभी शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान करना चाहिए। हम चाहते हैं कि राज्य के शिक्षक जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, उनको वेतन नियमित मिले, ये हमारा मांग है। और सरकार फिर से विचार करके जो लंबित भुगतान है होली के पहले जो बकाया है उनका सरकार भुगतान कराए। मधुबनी मंडल कारा में एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन ने मौत की वजह बीमारी बताया है। वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बिहार में बालू के खनन पर रोक के लगाने के बावजूद भी खनन बदस्तूर जारी है। छपरा पुलिस ने अवैध बालू से लदे 40 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के मालिक और ड्राइवर सहित व्यवसायियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की है।
नवादा में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। गुस्साई छात्राओं ने प्रिंसिपल को स्कूल में बंधक बना लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रिंसिपल की जमकर धुनाई भी की। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के हरवा चौक के पास ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सवार लोग जोकीहाट ब्लॉक जा रहे थे जहां उन्हें पंचायत चुनाव के प्रत्याशी के नॉमिनेशन में शामिल होना था। केंद्र और बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दवा निर्माण के मसले पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि गलत तरीके से हो रहे दवाइयों के उत्पादन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है और अब तक इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। संपूर्ण क्रांति की 42वीं वर्षगांठ के मौके पर पटना के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह सहित जेपी आंदोलन से जुड़े कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जेपी और संपूर्ण क्रांति से जुड़ी यादों को लोगों से साझा किया। इस मौके पर सभी ने एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अपने होम स्टेट आए एक्टर मनोज वाजपेयी ने उम्मीद जताई है कि सूबे में कला फिल्म को लेकर आया ठहराव अब खत्म हो जाएगा। बिहार के कला संस्कृति मंत्रालय ने फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है जिसका मनोज वाजपेयी प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण सिनेमा ने जो सबसे अच्छा काम ये किया है कि इतने सारे लोगों को एक मंच पे लाके इकट्ठा किया है कि सब अपनी अपनी राय एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से। होली को लेकर बाजार में जहां बॉलीवुड कलाकारों के नाम की पिचकारियों की बिक्री हो रही है तो वहीं राजनीतिक हस्तियों के नाम की पिचकारी की भी खूब डिमांड है। मोदी और नीतीश के स्टीकर वाले पिचकारी की ज्यादा डिमांड है।